उन्होंने इस डिजिटल तकनीक के माध्यम से लॉकडाउन के कठिन समय में हमें समय समय पर पशु चिकित्सा के बारे में जानकारियाँ दी हैं। लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी वो हमें व्हाट्सएप के जरिए इन जानवरों में लगने वाले रोग और इनके उपचार के लिए बताते रहते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। चिकित्सा अनुसंधान विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर में प्रशिक्षण प्राप्त करके डेयरी फार्म का काम शुरू किया है। वहाँ पर प्रशिक्षण के रूप में मैं श्री राजकुमार जी बेरवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने बहुत ही अच्छी हमें पोल्ट्री फार्म के नाम से फार्म है। पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ के द्वारा इस लॉकडाउन में व्हाट्सएप की सहायता से हम किसान भाइयों को जो जोड़ने का काम किया है, मैं इस डिजिटल तकनीक का सह दिल से धन्यवाद करता हूँ। राम राम साहब, मेरा नाम सदा कौर है। और जो डॉक्टर साहब मैंने बताइए पशुपालन खातर में पशुपालन को पूरा ध्यान रखा भी मैं, वो डॉक्टर साहब जो तुम मैंने बताइए बात बात में। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से और हमारा महिला जागृति समूह की तरफ से, मैं कवि हूँ, कवि सम्मेलन की तरफ से मैं एक छोटी सी रचना आज के दिन जो की बेटी बेटा का मां फर्क समझ के भ्रूण हत्या पर एक आधारित छोटी सी रचना दो लाइन की मैं आपने प्रस्तुत करूं, वह आप सुनो और आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कह हे मानस के राजहंस, हे मानस के राजहंस, तूने क्यों ऐसा मोड़ लिया, अरे नन्नी बगिया में खिला फूल खिलने से पहले क्यों तोड़ लिया। बेटा बेटी में फर्क समझ, बेटा बेटी में फर्क समझ, अरे बेटी को कोख में ही मरवा डाला, हत्यारा तू बन गया पापी, सो अपनी जान कहाँ छुड़ाएगा, अपने इस बेटे के खातिर अरे नवी नवेली दुल्हन कहाँ से लाएगा। तिनक सोच जरा, तिनक सोच जरा, आने से पहले तेरा क्या उजाड़ा था, जो सब कुछ पहले ही मिटा डाला। नन्नी बगिया में खिला फूल खिलने से पहले ही सब कुछ मिटा डाला। हे मानस के राजहंस, हे मानस के राजहंस, तूने क्यों ऐसा मोड़ लिया, नन्नी बगिया में खिला फूल खिलने से पहले क्यों तोड़ लिया, खिलने से पहले क्यों तोड़ लिया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।